हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप लोगों का पेपर कोड PGQP 76 यानी बॉटनी का सिलेबस रिलीज हो चुका है। ऑफिशियली ये सिलेबस रिलीज हुआ है, यानी अभी जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों का रिलीज हुआ है, पब्लिश हुआ है बॉटनी का सिलेबस। हालांकि ये कुछ ज़्यादा रिवील नहीं कर रहा, उसी तरह का आप लोगों का जूलॉजी का जिस तरह का PGQP 75 सिलेबस था उसी के तरह सिलेबस है। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये रहा सिलेबस, आप लोगों सामने क्लियरली दिख रहा है सिलेबस फॉर बॉटनी PGQP 76। आप लोगों क्या क्या टॉपिक है, फाइकोलॉजी, आप लोग एल्गी, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें वायरस बैक्टीरिया वगैरह होंगे, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स, सेल बायोलॉजी उसमें सेल डिवीजन, साइटोलॉजी दोनों आएंगे, माइकोलॉजी यानी फंगाई के ऊपर पूरा, फाइटोपैथोलॉजी यानी आप लोगों के जो भी प्लांट डिजीजेस हैं, वायरल वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, वो सब के सब यहाँ पे कवर होंगे। आर्किगोनेट्स यानी आप यहाँ पे आप लोगों को ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तीनों के तीनों यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद एनाटोमी में यानी प्लांट एनाटोमी, एंजियोस्पर्म में आप लोगों का पूरा फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर सब कुछ पढ़ना है। टैक्सोनॉमी कहने से ये सही रहेगा, एंजियोस्पर्म कह दिया मतलब फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर आपका टैक्सोनॉमी हो गया। बाकी ये देखते हैं आगे आप लोगों का एम्ब्रियोलॉजी दिया है कि नहीं, नहीं दिया है तो इसके अंडर ही कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक बॉटनी, आप लोगों का जो भी इकोनॉमिक बॉटनी, जो इकोनॉमिक वैल्यू है प्लांट्स के उसके ऊपर, और जेनेटिक्स वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 8 में आप लोगों का मॉलिकुलर बायोलॉजी, डीएनए के ऊपर, आरएनए के ऊपर, प्रोटीन, मतलब ये पूरा आप लोग सेंट्रल डॉग्मा के ऊपर बेस्ड होता है तो इसके ऊपर पूरा रहेगा। उसके बाद देखिए प्लांट इकोलॉजी, तो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बायोलॉजी के ऊपर, फाइटोजियोग्राफी इसके ऊपर। उसके बाद देखिए प्लांट सेमांटिक्स, ये गलत है, प्लांट सिस्टमेटिक्स होगा। तो प्लांट सिस्टमेटिक्स यानी यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा टैक्सोनॉमी, ठीक है, पूरा टैक्सोनॉमी यहाँ पे कवर होगा। फ्लावरिंग जो भी फैमिलीज हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक, कौन से फैमिलीज के कौन से पिक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से वो फैमिली नोन है उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। हाँ, और एक जो मैंने बोला था वो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी यानी एम्ब्रियोलॉजी, इसमें कवर हो गया। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें सब कुछ आके आप लोग ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सब कुछ, प्लांट वाटर रिलेशन सभी के सभी आ गए, एंजाइम्स ये सभी के सभी प्लांट फिजियोलॉजी में आ गए। उसके बाद प्लांट मेटाबॉलिज्म, इसमें आप लोग कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एटीपी के ऊपर सब कुछ आ जाएगा। और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में तो आप लोग जानते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग, ये सब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो ये था आप लोगों का ओवरऑल सिलेबस। तो हालांकि इसमें कुछ डिटेल कुछ रिवील नहीं हुआ है, जस्ट लाइक आप लोगों का जो जूलॉजी का सिलेबस आया था उसी के द्वारा जस्ट आउटलाइन दिया गया। हालांकि आप लोगों को इतना तो आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों ने जो भी यूजी में पढ़ा था उसी के बेस्ट के ऊपर, उसी का जो सिलेबस रहता है उसमें जो बेसिक फंडामेंटल रहते हैं इसी टॉपिक में से आप लोगों को पढ़ के पूरा प्रैक्टिस करना है। और हालांकि आप लोगों को जितना हो सके एमसीक्यू करना है, हमारे चैनल पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में ढेर सारे एमसीक्यू किए गए वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं अभी CU8 का भी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, वहां से भी चेक कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये था आप लोगों के लिए क्विक सा अपडेट सिलेबस के ऊपर। अगर कोई क्वेरी वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, ठीक है, नेक्स्ट CUET के अपडेट वाले वीडियो में। थैंक यू।